सरपंच काका के मृत देह को गांव वालों ने अपने कंधों पर उठाकर उनके घर के आंगन में लाकर सम्मान पूर्वक रख दिया। सभी एकदम हताश हो गए थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। मोतीबाई और मोहन का रो रो कर बुरा हाल था। सिद्धार्थ और गौरी के आंसू भी रुक नहीं रहे थे। बूढ़े बाबा निराश होकर वहां पर एक कोने में खड़े थे। उसी वक्त मिस्टर बजाज और सुजान दौड़ते हुए वहां पर आए। सुजान सरपंच काका की लाश को देखकर हैरान रह गया और उदास होकर वहीं पर खड़ा रहा। मिस्टर बजाज सरपंच काका को इस हालत में देखकर टूट गए और सरपंच काका के हाथ पकड़कर रोने लगे। मिस्टर बजाज ने हमेशा से ही सरपंच काका को अपना अच्छा दोस्त माना था। वहां पर उस गांव में मिस्टर बजाज एकदम ही अकेले पड़ गए थे और सरपंच काका उनके हमउम्र थे, इसलिए उनके साथ उनकी अच्छी बनती थी। दोनों कई बार एक दूसरे के साथ शतरंज खेलते थे और खेतों के पास से होते हुए शाम को टहलने जाते थे। मिस्टर बजाज सरपंच काका की लाश देखकर रोते हुए कहने लगे, चंद्र ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह हम सबको छोड़कर क्यों चले गए? तभी रोते हुए मोतीबाई ने कहा, चंदू अपनी मर्जी से ना गए, उसे उसरी हत्या हुई सी। उस शैतान ने मारे चंदूरी हत्या करी से। हने जे शैतान रो, बहुत भारी पड़ने वालों से मारे को अब शैतान री लाश देखकर ही मौत आवेगी, उसरे पहले मैं मरने वाली कूणा। मोतीबाई की आंखों में अब शैतान के लिए नफरत उभर कर नजर आ रही थी। मोहन ने भी कहा, कसम है मुझे मेरे पिताजी की कि मेरे पिता की इस तरह से निर्मम हत्या जिसने भी की है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ ने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया और गौरी मोतीबाई को गले से लगाकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। वहां पर एक कोने में खड़े रहकर बूढ़े बाबा मन ही मन अपने आप को इस सब का दोषी मान रहे थे। वे अपने आप से कहने लगे, जब मुझे पता था कि गांव में आने वाला सुख सिर्फ एक भ्रम होगा और वास्तविकता कुछ अलग होगी, फिर भी मैंने सबको इस तरह से खुश देखकर उन्हें वास्तविकता से अनजान रखा। मैं खुद भी सिद्धार्थ और गौरी की शादी में इतना रम गया कि मुझे यह तक होश नहीं रहा कि शैतान अभी तक जिंदा है और कुछ भी करने में सक्षम भी है। इस गांव के इतिहास को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। साक्षी हूं मैं पिछले 800 सालों से कि जब भी इस गांव ने जश्न मनाने की कोशिश की है तब तब इस गांव में दुख के बादल घिर गए हैं, फिर भी मैंने खुशियां मनाने की कोशिश की। क्या इस गांव के लोगों के नसीब में कभी खुशियां नहीं लिखी? क्या उन्हें पल भर भी खुश होकर जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं? क्या दो दिन की खुशियां मनाने का इतना बड़ा जुर्माना उन्हें भरना पड़ता है? जो कुछ भी हो, लेकिन इस बार सरपंच काका की मौत की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी भी है। अगर मैंने सही वक्त पर सब कुछ संभाल लिया होता और सिद्धार्थ और गौरी की शादी इस तरह धूमधाम से मनाने के बदले सीधे साधे बिना किसी जश्न के मनाने का फैसला लिया होता तो आज सरपंच जिंदा होता। ये सोचकर उसने सरपंच को देखा और भी ज्यादा दुखी हो गए। तब सिद्धार्थ ने कहा, कौन कर सकता है सरपंच काका की हत्या? मुझे नहीं लगता कि शैतान रूबरू यहां पर आया होगा। जरूर उसने अपने किसी शैतानी शक्ति यहां पर भेजा है, लेकिन वो कौन हो सकता है और उसने सरपंच काका को ही क्यों मारा? तब गौरी ने कहा, ये काम जिसने भी किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। सरपंच काका का बलिदान इस तरह व्यर्थ नहीं जाएगा। तब एक के बाद एक सभी गांव वाले बोलने लगे। किसी ने कहा, सरपंच काका तो हम सबके लिए पिता समान थे, उनकी हत्या यानी हमारे पिता की हत्या, हम सरपंच काका के खूनी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब किसी और ने कहा, हम आखिर कर क्या सकते हैं, उन्हें किसी इंसान ने तो मारा नहीं, इंसान ने मारा होता तो बात समझ में आती, लेकिन उनकी हत्या शैतान की शक्तियों ने की है। हमारे गांव में भी कई लोग अपनी जान से हाथ गवा चुके हैं, ये सिलसिला कैसे थमेगा? तब किसी और ने कहा, मुझे तो लगता है कि यह सिलसिला तभी थमेगा जब हम सभी गांव वाले एक एक करके मर जाएंगे। बुरा मत मानना सिद्धार्थ भैया, आपने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता। एक शैतानी शक्ति खत्म होती है तो दूसरी जाग जाती है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जब गांव वाले एक के बाद एक अपनी मन की बात कह रहे थे तब पीछे खड़ा वीर जी मन में मुस्कुराता हुआ अपने मन में बोला, तुम सबकी बारी भी जरूर आएगी,
बहुत जल्दी आएगी। मेरे पिता को तुमने 40 सालों तक दीवार में जिंदा चुनवा कर रखा था ना, ये काम भले ही तुम्हारे पूर्वज ने किया था लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बहुत जल्द तुम सबके लिए ऐसी ही स्थिति आने वाली है। जब वहां पर सब शोक मना रहे थे तब गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमें सरपंच काका का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करनी चाहिए। गांव के बाकी बुजुर्ग भी इस बात से सहमत थे। तभी गांव वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी शुरू कर दी। भोला सिंह और बाकी गंधर्व उदास होकर गांव वालों की अंतिम संस्कार की तैयारियां करने में मदद करने लगे थे। तब तक सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और गांव के कुछ दूसरे पुरुषों ने सरपंच काका की मृत देह को स्वच्छ पानी से नहलाया और उनके मुंह के अंदर जो अनाज भरा था उसे निकाला और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए गए और कान और नाक के अंदर रुई डालकर उनको अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया। गांव के कुछ दूसरे पुरुष अर्थी बनाने लग गए थे। वीर जी एक कोने में खड़े रहकर उन सबको ये करते हुए देख रहा था और उसने मन ही मन फिर से कहा, हार कर लीजिए अंतिम संस्कार की तैयारी, लेकिन मैं इनको इनके सरपंच की अंतिम संस्कार का सुख भी नहीं देना चाहता। जब सारी तैयारियां हो गई तब सरपंच काका के मृत देह को अर्थी पर लेटाया गया और सभी लोग फूलों के हार उनके ऊपर चढ़ाकर उनके अंतिम दर्शन करने आ रहे थे। मोतीबाई की हालत बहुत खराब थी, वो मुश्किल से ही अपने आप को संभाल पा रही थी। मोहन सुन्न हो चुका था, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां तो कर रहा था लेकिन जैसे उसके शरीर में जान न बची हो उस तरह। गौरी और गांव की दूसरी औरतें मोतीबाई को संभाल रही थी और सिद्धार्थ और कुछ पुरुष मोहन को संभाल रहे थे। गांव का वातावरण अत्यंत भावुक हो उठा था। जब सभी ने सरपंच काका के अंतिम दर्शन कर लिए तब आखिर में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ने उन्हें हार पहनाकर उनके अंतिम दर्शन किए। सिद्धार्थ और गौरी ने सरपंच काका के पैरों को अपने माथे से लगाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। तब गांव के बुजुर्ग ने कहा, अर्थी उठाने का समय हो गया है। उनके ऐसा कहते ही गांव के कोई दो पुरुष सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने सरपंच काका की अर्थी को उठाया और अपने कंधे पर रखा। सरपंच काका की अर्थी को उठाते ही मोतीबाई ने जोरों से चित्कार लगाई, चंदू, और जोरों से छाती पीट पीट कर रोने लगी। गौरी और बाकी औरतें भी रोने लगी और मोतीबाई को संभालने की कोशिश करने लगी। मोहन के हाथ में रस्सी से बांधा हुआ एक मटका दिया जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। वीर जी उसी वक्त तैयार हो गया और पंडाल के पीछे जाकर अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी सारी शैतानी शक्ति एकत्रित की और जोरों से हवा चलानी शुरू कर दी। उस तरफ सरपंच काका की अर्थी निकलने ही वाली थी कि इतने में जोर से हवा चलने लगी कि सभी एक पल के लिए रुक गए। इतनी जोरों से हवा चल रही थी कि उनका चलना भी मुश्किल हो रहा था। तेज हवा के साथ अब धूल भी उड़ने लगी। धूल से बचने के लिए सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। हवा इतनी तेज चलने लगी कि मोहन के हाथ में जो मटका था वो रस्सी से छूटकर नीचे गिर के टूट गया। ये होते ही बूढ़े बाबा के मन में विचार आया, ये तो अपशकुन की निशानी है, जरूर इस गांव में कुछ और होने वाला है। और ये बेमौसम इतनी हवा क्यों चलने लगी है? ये जरूर उसी शैतानी शक्ति का किया दारा है जिसने सरपंच की हत्या की है। मुझे ये जानना ही होगा कि ये कौन करवा रहा है, क्योंकि ये जो कोई भी है वो यही कहीं आसपास है। ये सोचकर बूढ़े बाबा सभी को अर्थी को नीचे रखने के लिए कहा और वो खुद एकदम से नीचे बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। ध्यान में ये पता करने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये सब कौन करवा रहा था। और पंडाल के अंदर से वीर जी ने देखा कि बूढ़े बाबा ध्यान में बैठ गए हैं तो उसे ये चिंता हुई कि बूढ़े बाबा उसकी सच्चाई को जान जाएंगे, इसलिए उसने तुरंत ही चारों तरफ से तेज हवा फूंकनी शुरू कर दी जिसके कारण देखते ही देखते उस गांव में एक बवंडर पैदा हो गया और तेज हवा में सब कुछ उड़ने लगा और इस बवंडर के अंदर समाने लगा। बवंडर सरपंच काका के घर की तरफ आने लगा। तब सिद्धार्थ ने तुरंत ही सबको कहा, सरपंच काका की अर्थी को उठाकर दूसरी दिशा में लेकर जाओ और सभी अपनी रक्षा के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तब सभी ने मिलकर सरपंच काका की अर्थी को उठाया और जिस दिशा में बवंडर आ रहा था उसकी दूसरी दिशा में लेकर जाने लगे, लेकिन एकाएक बवंडर ने भी अपनी दिशा बदल ली और सरपंच काका की अर्थी के पीछे आने लगा। कोई कुछ समझ पाए उसके पहले ही वो बवंडर
अर्थी के एकदम पास आ गया और सभी लोग उस तेज हवा को सहन नहीं कर पाए और एकदम से नीचे गिर गए। जैसे ही बवंडर उनके ऊपर आया, वे लोग तो बवंडर के अंदर खींचे चले गए, लेकिन उसके साथ साथ सरपंच काका की लाश अपने अर्थी के समेत उस बवंडर के अंदर खींची चली गई। सिद्धार्थ, मोतीबाई, गौरी ये देखकर दूसरों से चिल्लाए, लेकिन कोई कुछ कर सके ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी उस बवंडर के पास आता उसके अंदर खींचा चला जाता। मोतीबाई ये देखकर एकदम जोरों से रोने लगी और इस बवंडर की तरफ भागने गई। गौरी ने उनको पकड़ के रखा था। बूढ़े बाबा ध्यान में बैठकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कर कौन रहा था, लेकिन इतने शोरगुल में और तेज हवा में उनका ध्यान ठीक से केंद्रित नहीं हो पा रहा था। ये सब देखकर भोला सिंह ने बाकी रसोइयों से कहा, इस गांव पर एक के बाद एक आफत आ रही है, हम यूं ही खड़े खड़े नहीं देख सकते, हमें कुछ करना ही होगा। मानता हूं कि सरपंच काका ने हमसे हमारे असली रूप में ना आने का वचन लिया था, लेकिन अब सरपंच काका भी नहीं रहे और साथ ही साथ परिस्थितियां भी बदल गई है। बाकी के गंधर्व भी उनकी बात से सहमत थे। तभी भोला सिंह ने कहा, अरे गोगा सिंह कहां पर है? तब सभी गंधर्वों ने अपना सर हिलाकर यह कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी भोला सिंह को लगा कि अब देर करना ठीक नहीं, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य शक्ति से अपने मूल रूप में आ गया। उसके साथ साथ बाकी के गंधर्व भी अपने मूल रूप में आ गए। ये देखते ही सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। तभी इन सब गंधर्व ने मिलकर अपनी दिव्य शक्ति से इस बवंडर को रोकने की कोशिश की। पंडाल के अंदर अभी भी गोगा सिंह के रूप में खड़े वीर जी को जब पता चला कि ये सब गंधर्व मिलकर उसकी शक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करके गांव के सारे जानवरों को उनके बंधनों से खोल दिया और उनके मन को भ्रमित कर दिया। गांव के सारे जानवर, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली वगैरह सारे पागलों की तरह बाहर निकले और उन गंधर्वों की तरफ दौड़ने लगे। देखते ही देखते वे सारे जानवर एकदम से गंधर्वों की तरफ आए और गंधर्व कुछ समझ पाए उससे पहले उन्हें पछाड़ते हुए आगे निकल गए। गंधर्व फिर से कुछ करने जाए उससे पहले वीर जी ने उन्हें भी बवंडर के अंदर फंसा दिया। तब वीर जी ने उस बवंडर को गांव की दूसरी ओर भेजा और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उसने सारे गांव को अस्त व्यस्त कर दिया। और उसने जब सारे गांव को उजाड़ दिया तब जाकर उसने बवंडर को शांत किया। बवंडर शांत होते ही उसने जिन जिन चीजों को अपने अंदर समाया था उन सारी चीजों को यहां वहां पर फेंक दिया। गांव के लोग और गंधर्व अधमरी हालत में यहां वहां पर पड़े थे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सरपंच काका के मृतदेह अपने अर्थी के समेत एक पेड़ के ऊपर से उल्टी लटकी हुई थी। ये देखकर सभी गांव वाले एकदम दुखी हो गए। बूढ़े बाबा ये तो नहीं जान पाए कि ये सब किसने किया था, लेकिन इतना तो समझ गए थे कि ये जो कोई भी कर रहा था ये यहीं कहीं आसपास था, एकदम ही करीब। मोतीबाई और मोहन सरपंच काका की लाश को इस हालत में पेड़ से लटकते हुए देखकर बहुत ही दुखी हुए। मोतीबाई अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई और रोते हुए उन्होंने कहा, मारे चंदूरी लाश को उस शैतान ने बेइज्जत कर दिया से। ये देखकर सिद्धार्थ और बाकी सब भी बहुत ज्यादा दुखी हुई और सिद्धार्थ के कहने पर कुछ गांव वाले पेड़ पर चढ़कर सरपंच काका की लाश को उतारने लगे और बाकी के लोग, गंधर्व और दूसरे लोग जो बवंडर में फंस गए थे उन्हें संभालने लगे। ये सब देखकर सिद्धार्थ के मन में बहुत कुछ दौड़ने लगा, उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपने मन में कहा, हमने कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं किया था, शैतान को किसी भी तरह से छेड़ा नहीं था, फिर भी शैतान ने आज जो हमारे साथ किया है वो अब माफी के लायक नहीं है, और शैतान की जिस व्यक्ति ने ये सब किया है उसे यमलोक पहुंचा कर ही रहूंगा। क्या बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ जान पाएंगे